मौसम परिवर्तन का दौर निरंतर जारी है। हल्की बरसात के साथ उमस और तपन के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। शनिवार की शुरुआत तेज गर्मी और उमस के साथ हुई। दोपहर बाद मौसम ने पलटी मारी। देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए और हल्की बरसात के साथ तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं रुक रुक के हुई बरसात से तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। शनिवार को बाड़मेर शहर में दिन की शुरुआत बरसात से हुई और मौसम दिन भर सुहावना बना रहा। लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में अच्छी बरसात का इंतजार अभी भी जारी है। इस मर्तबा मानसून में जिले भर में कहीं बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई है। शनिवार को शहर में पहली बार अच्छी बरसात हुई। सप्ताह के शुरुआती दिनों में बाड़मेर जिले में कई जगह बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट आई। न्यूनतम तापमान में करीब 9 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। बाड़मेर में शनिवार सुबह से ही बरसात का रिमझिम का दौर जारी रहा, जो कि शाम तक जारी रहा। सुबह दिन की शुरुआत बरसात से हुई और इसके बाद मौसम साफ रहा, धूप में तेजी रही। हालांकि बीच बीच में बादल घिरने से मौसम पहले के मुकाबले गर्मी से कुछ राहत देने वाला रहा, लेकिन उमस अब भी परेशानी का सबब बनी हुई है। जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अब तक के मानसून से बाड़मेर जैसलमेर के किसानों में मायूसी छाई हुई है। बाड़मेर में तो पूरे सावन में अब तक 2 से 3 बार ही बरसात हुई है, जो भी कम समय व कम रफ्तार की रही है, जो खेती के अनुकूल नहीं कही जा सकती है। लॉकडाउन के बाद टिड्डी और अब कमजोर मानसून से किसानों की परेशानी गहरा गई है। शनिवार को शहर में अच्छी बरसात से कलेक्ट्रेट, सेवा सदन, किसान छात्रावास के पास कलेक्ट्रेट निवास, नई सब्जी मंडी, वृंदावन धाम के आगे स्टेशन रोड, राय कॉलोनी और शहर की निचली बस्तियों में जलभराव देखा गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।